Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of Edulover. Class 10th basic math sample paper solution ke question number 5 ke solution mein hum log pahunch chuke hain. Agar ise previous video aapne abhi tak nahi dekha hai to complete playlist ka link milega aapko description mein. Sath hi sath agar aap iske hand written PDFs bhi download karna chahte hain to niche Telegram ka link hai, wahan se jaiye. Aapko hamare Telegram channel pe iska bhi hand written PDFs notes क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38. यानी कि कहीं ना कहीं मोड वाला कांसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है और मोड वाला आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा सिंपल होता है कंपेयर टू मीडियन एंड मीन. ठीक है, तो सबसे पहले मोड हमें निकालना है. तो सबसे पहले मोड निकालना नहीं है, मोड के फॉर्म में हमें आंसर दिया हुआ है. तो सबसे पहले मोड का फार्मूला लिख लेते हैं, दैट इज l plus क्या होता है F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. यानी कि कहीं ना कहीं हमें L चाहिए, हमें H चाहिए, हमें F1 चाहिए, हमें F0 चाहिए और हमें F2 चाहिए. अगर इतना सारा वैल्यू अगर हमारे पास मिल गया, हमारे पास L, H, F1, F0 और F2 अगर हमें मिल गया तो हम मोड वाले कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल सकते हैं. तो उसके लिए मोड निकालने के लिए बहुत अच्छे से समझेंगे मोड का जो कॉन्सेप्ट होता है कि मोड निकालने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी में देखना है और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जो हो गया वही हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा. तो इसमें सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका है, 16 का. तो इसको पकड़कर हम लोग ऐसे घेर देंगे. ठीक है, ऐसे 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 हम लोग घेर देंगे और यही क्या होगा हमारा मॉडल क्लास. ये क्या होगा हमारा मॉडल क्लास. अब इसको हम लोग दे देते हैं F1. ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया. इसके ऊपर होता है F0 और इसके नीचे होता है F2. अब ये जो हमने ऐसा घेरा है, ऐसा मॉडल क्लास हमने बनाया है, इसके लोअर लिमिट को हम लोग बोलते हैं L का वैल्यू, जो कि है 30. L का वैल्यू कितना है, 30. और इसका जो बीच का गैप है, दैट इज हाइट है, हाइट कितना है, 10 है, उसको हम लोग बोलते हैं H. क्या बोलते हैं उसको, H. अब हमारे पास क्या होगा, L का वैल्यू कितना है, दैट इज 30 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 16 माइनस 12. तो हमने लिख लिया 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ वन कितना होगा, 16 टू जा 32. 2F1 यानी कि 16 टू जा 32 माइनस F0 कितना, 12 माइनस F2 मतलब x और यही x का वैल्यू हमें चाहिए इंटू एच. मॉड का भी वैल्यू हमें गिवन है, बिल्कुल हमें गिवन है, दैट इज 38. कितना है, 38 है. ठीक है, ठीक है. अब हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, दैट इज 38 माइनस 30 माइनस 30. एज का वैल्यू हमने पुट नहीं किया, बहुत गलत बात है. एज का वैल्यू है 10. एज का वैल्यू कितना है, 10. ठीक है, 30 इक्वल्स टू, अब इसमें माइनस करेंगे, 16 माइनस 12 डेट इज 4 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 12 कितना हो गया, डेट इज 20 और माइनस एक्स इंटू टेन. ठीक है, इंटू 10. अब 38 माइनस 30 कितना होता है, दैट इज 8. इसको 8 लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सर. अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 8 दैट इज 160 माइनस 8 इंटू एक्स दैट इज 8x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 40. तो यहां से कितना आया, माइनस 8x इक्वल्स टू 40. ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, दैट इज -160. अब यहां से कितना हो गया, माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो आ जाएगा -120. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ए मल्टीप्लाई में इधर जाता डिवाइड में और 8 के टेबल में आप सबको पता है कि 15 टाइम्स में आता है. यानी कि यहां से x का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आ गया, नन्हा मुन्ना प्यारा सा 15 हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसका होगा राइट आंसर. तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से और क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए. अगर आपने अभी तक कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे 1 से लेकर 14 हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिल जाएगा. तो करते रहिए पढ़ाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.